फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्लैंकेट्स वॉशिंग मशीन के अंदर आपको कैसे वॉश करने हैं, इसमें कितने केजी तक ब्लैंकेट आप यूज कर सकते हैं और इसमें कैसे आपको वॉश करना है। मतलब ब्लैंकेट से रिलेटेड, वुलन क्लोथ से रिलेटेड आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये आप मेरे हाथ में जो ब्लैंकेट देख रहे हैं, ये डबल ब्लैंकेट है मेरे पास। आप देख सकते हैं कितना ये हैवी आपको देखने में लग रहा होगा और इसका जो वेट है वो 5 kg के आसपास है। तो वॉशिंग मशीन में हमें ड्राई क्लोथ्स का 8 kg तक हम कपड़े इसमें डाल सकते हैं, चाहे वुलन हो चाहे नॉर्मल हो। उसी तरीके से आप ब्लैंकेट्स भी अगर ले रहे हैं तो आप 8 kg नहीं तो 7 kg तक तो आप इसमें डाल ही सकते हैं और डाल के इसको वॉश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंकेट है, ये एसी वाले ब्लैंकेट्स हैं। मतलब 10 to 20 degree centigrade में हम इसे यूज़ करते हैं और ये काफ़ी हैवी है। ये मतलब बढ़िया ब्लैंकेट है और आज मैं इसको आपको वॉश करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैंकेट सबसे पहले मैं आपको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के दिखाती हूँ। तो ये मैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 kg के आसपास वाला ब्लैंकेट डाला है तो ये पूरा यहाँ पे भर गया है। तो इसमें अभी थोड़ी सी स्पेस मुझे फील हो रही कि इसमें है, तो आप इसमें सिंगल वाला ब्लैंकेट जो पतले वाले आते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये 5 to 6 kg के आसपास है तो इसमें 1 kg 1.5 kg के ब्लैंकेट्स और भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना ही डाल के वॉश करिए, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस खाली रहेगी तो ब्लैंकेट बहुत अच्छे से साफ होंगे। तो ये मैंने डाल दिया है, डोर को मैं लॉक कर दे रही हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ भी थोड़ा भी बाहर ना निकले, तो थोड़ा सा ऐसे अंदर कर लेंगे और फिर डोर को बंद कर देंगे। तो चलिए अब डालते हैं डिटर्जेंट। तो यहाँ पे मैं डिटर्जेंट डाल दे रही हूँ मेन वॉश में। मेन स्विच मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे वूल की सेटिंग है, यहाँ पे नीचे से सेकेंड नंबर पे, तो मैं इसे सिलेक्ट कर ले रही हूँ। सेलेक्ट करते ही जो भी वुलन कपड़े धुलते हैं वो ठंडे पानी में इस मशीन में धोए जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप टेम्परेचर थोड़ा सा 20 degree कर सकते हैं, मतलब और अच्छे वॉश के लिए। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 20 degree ले लिया है और यहाँ पे 40 minute का टाइम दिखा रहा है इसे वॉश करने के लिए। और आप चाहे तो इसमें वाटर प्लस करके पानी भी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आरपीएम चेक कर लीजिए कितना यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ वुलन में हमेशा 800 का आरपीएम लेता है। और यहाँ पे और भी सेटिंग हमें नहीं करनी है, बस टेम्परेचर का मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, बाकी जो एज इट इज़ जो हमारा सेटिंग है उसी पर मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर ले रही हूँ। तो पानी इसमें आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बीच बीच में आपको पॉज और प्ले करके थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी, क्योंकि अब 40 minutes है तो उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो मैं बीच बीच में आपको जहाँ जहाँ मेन सेटिंग मुझे लगेगी, चाहे मुझे लगेगा इस मशीन ने कुछ अलग अभी किया है, तो वहाँ पे मैं छोटा छोटा क्लिप मैंने बनाया हुआ है वहाँ पर दिखाती रहूँगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 to 36 minutes तक यहाँ पे आ गया है और सारा पानी कंबल में सोख हो गया है। अब मशीन अभी से सोक कर रहा है, तो ये 5 to 10 minutes तक अब इसमें सोक करके ये रखेगा, उसके बाद वॉश करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 17 minutes से यहाँ पे रिंस होना स्टार्ट हो गया है। जब 20 minutes रिमेनिंग बचे थे तो उसने एक बार पानी जो सोख वाला था वो निकाल के फिर से पानी लेके फिर से ड्रेन कर लिया था। अब यहाँ पे 17 minutes से सोख होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब 5 minutes बचा इसमें तो स्पिन का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। 17 to 6 minutes रिमेनिंग तक, मतलब 11 minutes तक इसने एक दो बार पानी लेते हुए
कंबल को अच्छे से वॉश किया है, जिसे हम हिंदी मतलब खंगारना भी बोलते हैं। तो इसने दो बार पानी लेके फिर ड्रेन, मतलब एक बार लेके ड्रेन किया, फिर दूसरी बार फिर पानी लिया, फिर ड्रेन किया। तो इसको अच्छे से इसने खंगार दिया है और अब ये स्पिन कर रहा है, कंबल को सुखाने की कोशिश हो रही है इसमें। सिर्फ 3 मिनट और बचे हैं, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कंबल कैसा वॉश हुआ है। तो ये कंबल वॉश हो गया है, मशीन का फंक्शन भी एंड हो गया है, इंडिकेशन भी आ गया है, आप लोगों ने सुनी लिया है। तो चलिए अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा वॉश हुआ है। यहाँ पे ऑफ कर दिया मशीन मैंने, डोर भी ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं अब कंबल निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कंबल में पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं, और साबुन भी बिल्कुल भी नहीं लगा है, बहुत अच्छे से वॉश हो गया है, आप हर साइड से देख सकते हैं। मतलब कितना मुझे लाइट वेटेड फील हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया से इस मशीन ने इसको स्पिन करके सारा पानी निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो कंबल बहुत अच्छे से वॉश हुआ है, इसमें मुझे थोड़ी भी गंदगी नहीं दिख रही है। अब मैं इसको बाहर डालूंगी धूप में, और शायद धूप में डालने के बाद शायद आधे घंटे में ये सूख भी जाए, और जब सूख जाएगा तो उसके बाद फिर मैं हो सकता है छोटा सा वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊँ कि कंबल कितना बढ़िया, क्योंकि सूखने के बाद ही हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि ये कैसा वॉश हुआ है। तो मैं अब जा रही हूँ बाहर डालने, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ।